एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 10 सालों में आप में से कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्हें रोजगार मिला है, लेकिन कितने ही ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने भर्ती के लिए पेपर दिए हैं। हरियाणा में 30 पेपर लीक हुए। आप पेपर देते हो, पेपर लीक होता है, आपकी भर्ती नहीं होती है। समय गुजरता रहता है, महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, रोजगार नहीं मिलता तो नौजवान भटकता रहता है। आज हरियाणा में ड्रग्स की समस्या भी इसलिए है क्योंकि यहाँ बेरोजगारी इतनी हो गई है। आपको बेरोजगार बनाने वाले कौन हैं? आपको 10 सालों में कितनों को रोजगार मिला है? नहीं मिला है। आप में से कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने भर्ती के लिए पेपर किए हैं? ट्यूशन की फीस देनी पड़ी, माँ बाप को ट्यूशन के पैसे इकट्ठे करने पड़े। आपको मालूम होगा हरियाणा में 30 पेपर लीक हुए हैं, 30। और इसमें क्या होता है, आप पेपर देते हो, पेपर लीक होता है, आपकी भर्ती नहीं होती। आप सोचते हो चलो मैंने पेपर दे दिया, आज नहीं तो कल भर्ती तो होनी है, कहीं और एप्लीकेशन नहीं देते हो। समय गुजरता रहता है, महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, आपकी भर्ती नहीं होती, आपको रोजगार नहीं मिलता। रोजगार नहीं मिलता तो नौजवान क्या करता है, भटकता है। आज अगर हरियाणा में ड्रग्स की समस्या है, चिट्टे की समस्या है, तो किस लिए है? क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो गई है। और ड्रग्स की माफियाओं को संरक्षण देने वाले कौन हैं? भाजपा की सरकार देती है। आपको बेरोजगार बनाने वाले कौन हैं? भाजपा के नेता हैं जो स्कैम पे स्कैम पे स्कैम कर रहे हैं। पूरी लिस्ट है स्कैमों की, जहां आप देखें वहां पे घूस या स्कैम। और आपके लिए क्या किस स्कीम लाते हैं मोदी जी और उनके नेता, अग्निवीर जैसी स्कीम कि जाओ शहीद हो जाओ देश के लिए, सरहद पे जाओ, लेकिन अगर शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप को पेंशन नहीं मिलेगा, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। 4 सालों के लिए जाके सेना में भर्ती हो, घर वापस आ जाओ, 4 साल के बाद फिर से बेरोजगार बन जाओ। ये तोहफा मिल रहा है आपको अपनी वफादारी के लिए और इस बात के लिए कि आपने अपने बेटों को शहीद किया है देश के लिए, ये मिल रहा है आपको। यहाँ के किसानों को देखिए, यहाँ मेरे किसान भाई भी होंगे, किसान बहन भी होंगी, दिन रात मेहनत करते हो, एमएसपी मिलती है, एमएसपी तक नहीं मिलती। मोदी जी ऐसे कानून लाते हैं जिससे उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र अडानी जी अंबानी जी का फायदा होता है। वो कानून कैसे थे? वो कानून ये था कि अगर कोई बड़ा उद्योगपति आकर आपकी जमीन ले ले तो आप मुकदमा भी नहीं लड़ सकते, सिर्फ पीएम के पास फैसला होगा आपका। बताइए, बड़ा उद्योगपति, इतनी शोहरत, इतने पैसे, इतने साधन, और आप जाकर डीएम के पास जाएंगे उनसे लड़ने के लिए, अपनी ही जमीन के लिए? ये थे कानून। ये कानून लाने का काम कौन कर रहा था? मोदी जी कर रहे थे, भाजपा के नेता कर रहे थे। आप जहां जहां देखे हरियाणा में आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके अधिकारों को दबाया गया है। मेरी बहनें कुछ खरीद नहीं पाती, त्योहार